एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आज कुछ इस तरह से मेरा प्लान है कि आज मैं सू के साथ, जैसे मैंने बोला था, एक सरप्राइज़ है सू का जो मैं बहुत जल्दी डिस्क्लोज करने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करना है। मैं बहुत टाइम से सू से नहीं मिली हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा बैक टू बैक फ्लाइट्स था, लेकिन अभी क्योंकि मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा है कि आज जो भी मैं कर रही हूँ आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं मिलने वाली हूँ सू को, और सू जाने वाली है अपने हेयर ड्रेसर के पास मलाड में, और उसकी एक सिस्टर आई है दुबई से, साक्षी नाम है उसका, तो उसको भी मैं मिलने वाली हूँ। तो उसका कुछ हेयर का कुछ उसको ट्रीटमेंट कराना या हेयर कट कराना, पता नहीं। तो मैंने बोला यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस फ्री बैठी हूँ, तो क्या करना है, चलो उन लोग के साथ जाती हूँ, और अगर लगा तो मैं भी हेयर कट करा लूँगी। क्योंकि सू बोल रही है मेरे बाल थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। ये देखिए नीचे से ऐसा लग रहा है कि मैं इससे बर्तन भी धो सकती हूँ। नो, तो लेट्स सी, मेरा तो मन ज़रा नहीं है, बट अगर उसने ज़िद किया तो मैं कटा लूँगी। तो मिलते हैं, जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ आप सबको बताती हूँ। सू अभी आ रही है रिक्शे में, मुझे पिकअप करेगी। हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम ऐसे आधे आधे रास्ते में मिलेंगे, क्योंकि मैं सू के घर जाती या वो मेरे घर के नीचे आती तो थोड़ा लंबा रूट हो जाता, बट इतना कन्फ्यूजन हो गया है कि सू बस घूम रही है। अभी उसको लाइव लोकेशन भेजा है मेरा, क्योंकि वो ज़्यादा घूमती नहीं है शायद इसलिए, और मैं मीरा रोड में इतना घूमती हूँ कि मुझे सब कुछ पता होता है, बट बेचारी उसको समझ नहीं आ रहा है। होपफुली वो पहुंच जाए, और वो बहुत इरिटेट हो गई है कॉल पर, तो देखते हैं। हम पहुंच गए हैं सीजर प्लाजा, ये है कहीं नहीं मतलब मलाड वेस्ट में है। तो शुरू हो रहा है साक्षी का हेयर कट। उससे पहले मेजरमेंट लिया जा रहा है कितना काटना है, और ये कुछ अंदर से दिखता है ऐसा सलोन। थक गई मैं तो, थकी गई। ये है ब्राइड की बहन, जोर से बोल सू। ये है ब्राइड की बहन जो थक चुकी है, उसको नींद आ रही है हेयर वॉश के टाइम पर। वाह 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 वाह। क्या हो गया सू? मेरे को कोई सोने नहीं दे रहा, मैं कोई खाना नहीं खिला रहा, भूख लगी है। खाना ठूस के बैठी है और बोलती है खाना नहीं दे रहा। झूठ है ये सरासर झूठ। हम जाएंगे खाने सू, मैं बोल रही हूँ तेरे को जाके मसाज करा ले, रिलैक्स हो जाएगी। शी इज वेरी टायर्ड यार बिचारी। मसाज करवा दे, मसाज जा जा, मैं तेरे को बता रही हूँ बहुत टायर्ड हो गई यार। मतलब बीइंग अ ब्राइड आई कैन अंडरस्टैंड कितना टायरिंग हो जाता है। बड़े शादी करी तुमने? की नहीं हो यार, तेरे को देख के मुझे फील हो रहा है। शी नीड्स अ थेरेपी। आप लोग सब दुआ करना है इसका बेस्ट लाइफ हो आफ्टर मैरिज। अब मेरे को ये बोल रही है, फोर्स कर रही है कि इसकी शादी में थोड़ी ढंग की दिखूं, वरना मेरी बाल ऐसे लेके जाऊंगी ना तो सब बोलेंगे। लोग बोलने चाहिए ना दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड कौन है। वही ना, क्योंकि दुल्हन तो मस्त मस्त वाला हेयर स्टाइल करके जाएगी, और मैं ऐसे चप्पड़ गंजू जैसे जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं भी सोच रही हूँ करा लेती हूँ। वाओ, सो हेयर कट हो चुका है और इसे ब्लो ड्राई किया जा रहा है ताकि थोड़ा कर्ल्स दिखे और थोड़ा सा ज्यादा बाउंसी लगे, क्योंकि ये बटरफ्लाई लेयर कट दिया हुआ है। तो लेट्स सी इनका फाइनल लुक, मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो भाई ने बोले कि फाइनल लुक के पहले मैं कुछ करता हूँ स्पेशल जो लोगों को इम्प्रेस करता है, क्योंकि और ज़्यादा बाउंसी दिखता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ वो किस तरीके से, इनका एक टेक्निक है बोले, और हर जगह वाकई में मैंने इतने जगह हेयर कट किया है, मैंने कभी भी ये टेक्निक कहीं पर भी आजमाया नहीं है, और यहाँ पर ही आजमा रहे। तो हेड डाउन करने बोलते हैं, और बोलते जितना ज़्यादा हेड डाउन करोगे उतना अच्छा बाउंसी लुक आता है। तो थोड़ा सा और मसाज देते हैं, मसाज देने के बाद अम्बोड़ा बांधते ऊपर, जो मेरा फेवरेट लुक है एक टाइम के लिए, और उसके बाद ये कुछ लुक इस तरह तैयार होता है। आप अमेजिंग लग रहा है और बहुत बाउंसी लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका हेयर कट। आप देख सकते हैं हमारी खुश अब बाल धुलवा रही हैं। बहुत ज्यादा कटेंगे बेबी,
मैं तो बता रही हूँ, पूरा मुंडवा दो जैसे अभी लग रही है जाने ही वाले हैं। चाय पीना है देखो, टाइम हो गया अभी दो घंटे हो गए। चाय पीना नहीं, कितने सारे चले गए, मतलब बाल ही है तो बाल तो जाएंगे ही ना अभी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कट रहे हैं बाल खुशी के। फाइनली हेयर कट हो गया दोस्तों, और आप सब देख सकते हो कि जब ब्लो ड्राई करके कर्ल कर रहे हैं ये भाई, तो मेरा मुंह थोड़ा ख़राब हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बहुत ज़्यादा हेयर कट हो गए। मतलब गई थी मैं सिर्फ ट्रिम करने, लेकिन ट्रिम के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही मैंने यू नो हेयर कट करवा लिया, और मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत टाइम लगा है मुझे, बहुत साल लगे मुझे इतना मतलब यू नो हेयर को बढ़ाने के लिए, और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, आप सब फील कर सकते हो। उसके बाद अभी उन्होंने हेयर ड्राई किया, हेयर ड्राई करने के बाद उनका फिर से सेम टेक्निक जो साक्षी पे किया उन्होंने, मुझे बोले एकदम हेड को ज़्यादा नीचे करो और उसके बाद यू नो यू विल एक्चुअली गेट दैट लुक बाउंसी वाला, और मुझे अच्छा लग रहा है देख के, अच्छा लग रहा है कि वाओ इट लुक्स बाउंसी एंड यू नो सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया है। और उन्होंने मुझे देख के बोला है कि ये हम आपके ऊपर सुंदर कट लगा रहे हैं, मतलब ये उनका कट का नाम है सुंदर कट। तो मैंने बोला ये कौन सा कट है, तो बोलते ये नया अभी इन्वेंट किया मैंने, दिस इज कॉल्ड सुंदर कट, सुंदर सुंदर सुंदर। दिस लुकिंग सुंदरता कट, I hope I maintain it. Yeah, I hope so too. अच्छा लग रहा है ना? बहुत। ये है साक्षी का हैकर। साक्षी डाकू मैन कहाँ जा रही है? डकैती करने। ये सू का ससुराल है इन 2-3 days में, इसीलिए वो हम लोग को यहाँ पे घुमा रही है। ये ससुराल नहीं है रे। मतलब ये नहीं है एरिया बोल रही हूँ मैं। लिबर्टी लॉक क्लासिक में खाना खाने, बहुत भूख लग रही है। सो ये एंट्री करते ही हमने देखा लाइट्स डिम थे ऑलरेडी, और बहुत अच्छा एम्बियंस लग रहा था, और थक गए थे तो ऐसा लग रहा था बस लाइट डिम में खाना खा के सो जाओ। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, और मैंने बोला मैं क्या करूँ, तो हमने ऑर्डर किया, और ये चिकन मैंगलोरियन है, बहुत ही यम था। और उसके बाद हमने फ्राइड राइस खाए और थम्सअप पिया। फिर अब मैं निकल चली हूँ, उनको तो वहाँ पे ही थोड़ा काम था मलाड में, तो मैंने बोला मैं जाती हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत लेट हो रहा है और ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश मिलती, तो इससे मैं निकल गई वहाँ पर। और मैं ये पहुँच गई हूँ मलाड वेस्ट स्टेशन, MM मिठाई बहुत फेमस है आप सबको पता है। चलते चलते मैंने अपने बालों को ऐसे बांध लिया, क्योंकि आपको पता है या नहीं पता है मुंबई की लोकल और पीक टाइम पर आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो मौत आ जाती है। तो मैंने अभी मैं घर के बाहर हूँ और देखती हूँ कि मम्मी और परी का क्या यू नो रिएक्शन होता है ये देखने के बाद, क्योंकि उन लोग को चाहिए कि मैं अपने हेयर कट नहीं करूँ इतना सारा, उनको चाहिए कि मेरे बाल बड़े हो, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, है इतना ही, बट यहाँ से छोटे छोटे चुंदू चुंदू हो गए ना इसीलिए। तो लेट्स सी वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, आप सबको बताती हूँ।
Hello. Hey, Hi. What's up? पापा अंदर चले गए आपको देख रही। क्यों? पापा क्यों शर्मा रहे? पता नहीं। कुछ चेंजेस दिख रहे? हाँ, बाल कटाया ना आपने? Yes. अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। मुझे लगा तुम लोग बोलोगे क्या है ये, क्या कटा के लाया। नहीं, अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है आपके। इसका रिएक्शन बहुत ही ओके ओके था। मुझे लगा ये बोले कि ओ कैसा हेयर कट है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद हेयर कट कराया, तो मुझे लगा कुछ अलग रिएक्शन होगा, बट इट वाज ओके ओके। पापा का तो ही इज जस्ट बिजी डूइंग समथिंग। पॉबी पॉबी डांस नहीं करना है। मम्मी का है, मम्मी मार्केट गई है यार। उनका रिएक्शन नहीं देख पाई, पर छोड़ो, आई एम लाइकिंग इट। अच्छा लग रहा है, पता नहीं कब तक मेंटेन रहेगा ये। लेट्स सी, मैं सोच रही हूँ बोटॉक्स कराने, होपफुली दैट वर्क्स। आज मैंने हेयर कट किया तो ये बोल रही है ट्रीट दो। अब ट्रीट देने के लिए क्या करना है, ये मैडम मेरे को बोल रही है बाहर चलो वॉफिल खाना है इसको। तो देखते हैं वॉफिल कहाँ मिलता है और खिलाती हूँ मैं आप सबको, सॉरी इसको, और आप सब देखोगे। मम्मी अनफॉर्चुनेटली मार्केट में है और हम भी अभी जा रहे हैं, होपफुली अगर वहाँ मिलती है तो ठीक है, वरना मैं जब तक जाऊँगी तब तक वो सो जाएंगे और मुझे कल देखेंगे शायद सुबह में। डबल चॉकलेट, चॉकलेट ओवरलोड ऑर्डर किया है, तो वेट करें ताकि चॉकलेट इतना सारा खाए कि सो जाए। परी बस कर, उसको भी खाना है क्या? सो आज का मेरा दिन ख़त्म हुआ, और जब मैं और परी वॉफिल खा के आए तो मम्मा और पापा सो गए थे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था और मम्मा को जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए जल्दी सो गए। तो मम्मा का रिएक्शन देख नहीं पाई मैं, क्योंकि अंधेरा था लाइट, और हम जब खोल के आए कड़ी, जब दरवाज़ा खोल के आए हम डायरेक्ट अभी अंदर आ गए हमारे रूम में। तो अभी बस फ्रेश हो गई हूँ, सुबह से ऐसा लग रहा है सिर्फ भटक रही थी। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, अभी नींद आ रही है बहुत, तो अभी सोने वाली हूँ मैं ऊपर ही। देखते हैं कल अगर सुबह उठ के मम्मा का कोई रिएक्शन होता है तो मैं वो ज़रूर पोस्ट करूँगी। मैं उठते ही आप लोग को दिखाऊँगी डायरेक्ट मम्मा के सामने जाने के वक्त, और यस देखते कैसा होगा। सो अगर टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरे बालों का टेक्सचर बहुत स्मूथ लग रहा है अभी, और हेल्दी लग रहा है टच वुड, बिकॉज सारे जो मेरे स्प्लिटेंस थे वो कट गए हैं, और इट्स लुकिंग नाइस। पीछे से भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बस थोड़ा सा आगे से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा बाल बहुत फ्रिजी है तो आगे के थोड़े से सेट नहीं हो पा रहे। जब उन्होंने सेट किया था सलोन में तो बहुत अच्छा सेट हुआ था एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी, बट मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो मैं पूरी चटनी बन गई थी और मेरे बाल मुझे ऊपर ऐसे अम्बोड़ा बनना पड़ा, जो कि अम्बोड़ा प्रॉपर आया नहीं, बट ऐसे एकदम मैसी वाला बन गया था। तो जैसी मैं उतरी मुझे ऐसा लगा सारा मेरा जो सेट किया हुआ था वो वेस्ट हो गया। बट एनीवेज मेरा आज का दिन आप सब ने देखा, इट वाज रियली नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। सू की भी शादी है 2 दिन में, कल उसकी मेहंदी है, फिर हल्दी है परसों, और नर्सों शादी। तो मैं आप सबको अपडेट देती रहूँगी किस तरीके से उसकी शादी उसने, मतलब पूरा अकेले उसने ऑर्गेनाइज़ की बेचारी ने। आई वॉज़ फीलिंग रियली बैड फॉर हर, क्योंकि कोई आ ही नहीं पाया, क्योंकि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट शेड्यूल। लकीली मेरा एक दो बार छुट्टी हुआ तो मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर पाई उसके साथ यहाँ वहाँ जाने, बट मोस्टली शी डिड एवरीथिंग अलोन, तो हैट्स ऑफ टू हर। एंड मेरी होगी इन फ्यूचर, तो आई नो कि किससे मुझे सजेशंस लेने और किसको भगाना है मेरे साथ, बट आई विश कि उसकी लाइफ अच्छी हो फॉरवर्ड में। और या बस सो आप सब भी उसके लिए दुआ करना, और जो भी रहेगा मैं आप सबको बताऊंगी किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है उसकी शादी का, कल से अगर मैं अवेलेबल रही। लकीली मैंने छुट्टी डाल के रखा था तो मुझे छुट्टी मिल गई उसकी शादी के लिए। और आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरे वीडियोस फ्यूचर के नहीं दिखेंगे, है ना। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और हमेशा दुआ करती हूँ आप सब हेल्दी वेल्दी रहे और हमेशा खुश रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सीन ऐसा हो गया कि मम्मा जब झाड़ू मार रहे थे तो मैं ऐसे सोई थी ना बाल ऐसे खोल के, तो मम्मा का रिएक्शन तभी आ गया, बोलती क्या किया तूने बाल छोटे छोटे। फिर मैंने ऐसे उठ के बोला हाँ मम्मा अभी हेल्दी लग रहा है बाल, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखाया तो शी इज़ लाइक हाँ हाँ अच्छा है, बट बाल थोड़े कर्ली हो गए इससे समझ नहीं आ रहा, बट उनको सेट करके बताऊँगी। मैं चीज़ लाइक हाँ अच्छा है, उनका रिएक्शन ले नहीं पाई बट ठीक है। हैव अ ग्रेट डे अहेड।